हेलो फ्रेंड्स, एनाटॉमी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम आयुर्वेद पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग रचना शरीर के नाम से जानते हैं। मतलब एनाटॉमी को हम लोग अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हम लोग उसको रचना शरीर कहते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ तो पता है कि हमारा जो शरीर है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारा शरीर बनता है, हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कोऑर्डिनेटली एक दूसरे से मिलके हमारे बॉडी को काम करते हैं, हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो सिस्टम्स है, ठीक है, ये पूरे सिस्टम मिलके हमारे बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी चीज़ की वजह से इनमें कुछ खराबी आती है, या फिर इसमें से कोई ऑर्गन डैमेज होता है, या फिर कुछ इंजुरी इसको होती है, तो ये जो फंक्शंस है, ये नॉर्मल जो फंक्शंस जिसके बॉडी के हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक टर्म डेवलप होती है जिसको हम लोग डिसीज़ के नाम से जानते हैं। मतलब अगर हमारे बॉडी में कुछ खराबी होती है किसी ऑर्गन में, तो हम लोग उसको डिसीज़ कहते हैं। इसका मतलब क्या है? डिस इज़, ठीक है, इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ इज़, ठीक है, लैक ऑफ इज, मतलब हम लोग इसको लैक ऑफ कंफर्ट बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग डिसीज़ कहते हैं। मतलब अगर हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शन में या फिर स्ट्रक्चर में कुछ खराबी आती है, कुछ इम्पेयरमेंट होती है, तो डिसीज़ की कंडीशंस डेवलप होती है। अब ये जो डिसीज़ है हर अकॉर्डिंग, मतलब उसके ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग या फिर उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये पूरे अलग अलग डिसीज़ है, जो कि पैथोलॉजी में भी हम लोग सीखते हैं, आगे चल के हम लोग मेडिसिन में भी बहुत सारे डिसीज़ सीखते हैं। तो हम लोगों को ये डिसीज़ अगर पता करने हैं, मतलब कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, मतलब अगर फंक्शन बिगड़ गया या फिर उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है या फिर किसी और चीज़ में इम्पेयरमेंट हुई है, ये सब चीज़ हमें कब पता चलती है? जब उसका हम लोगों को नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होता है। मतलब मान लो कि आपका लीवर नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, नॉर्मली स्ट्रक्चर उसका कैसे होता है, ये अगर हम लोगों को पता होता तो आगे चल के हम लोग सिरोसिस की अगर कंडीशन हम लोग सोचे, या फिर दूसरी कोई और हेपेटाइटिस की, या दूसरी कोई और दूसरी कंडीशन लीवर की सोचे, तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं ये हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोगों को नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पता चलता है। तो इसीलिए हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो उसी चीज़ को लेके हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रचना शरीर, ठीक है। अगर हम लोग मॉडर्न साइंस की बात करें तो जिसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है, तो आयुर्वेद में जिसको हम लोग रचना शरीर कहते हैं। अब रचना शरीर का मतलब क्या है? हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। रचना का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन या फिर क्रिएशन जिसको बोलो, ठीक है। रचना का मतलब फॉर्मेशन, क्रिएशन या फिर स्ट्रक्चर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, इंटरनल फ्रेमवर्क भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन या फिर स्ट्रक्चर है, इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं या फिर इसको जो नॉलेज हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग शरीर कहते हैं। मतलब जिस चीज़ में या फिर जिस साइंस में हम लोग फॉर्मेशन या फिर क्रिएशन ऑफ द बॉडी, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं या फिर डील करते हैं, उसको हम लोग रचना शरीर कहते हैं। मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो रचना का मतलब फॉर्मेशन या क्रिएशन या फिर स्ट्रक्चर हुआ, और शरीर का मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें हम लोग ये रचना या फिर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग जो क्रिएशन देके, हम लोग जो स्ट्रक्चर देके हमारे ह्यूमन बॉडी का, ये हम लोग किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? रचना शरीर में पढ़ रहे हैं। तो ये रचना शरीर या फिर एनाटॉमी का मतलब हुआ। अब हम लोगों को ये चीज़ पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कंडीशन डेवलप हुई है, डिसीज़ डेवलप हुआ है, तो उसका नॉर्मल अगर हम लोगों को फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर पता है, तो हम लोग डिसीज़ ट्रीट कर सकते हैं कि ये डिसीज़ इस वजह से हुआ है, या फिर इसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई है, लीवर की खराबी हुई है, किडनी की खराबी हुई है, किडनी का जो नॉर्मल साइज़ है उससे नॉर्मल श्रंकन किडनी हुई है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने कब पता चलेगी? जब हम लोगों को उसका नॉर्मल एनाटॉमी पता रहेगा। इसीलिए हम लोग एनाटॉमी डिटेल्स में पढ़ते हैं, और इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है हमारे फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड है, ताकि जब भी हम लोग मेडिकल फील्ड का स्टडी स्टार्ट करते हैं तो ये हमें नॉर्मली ये बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों को ये सब्जेक्ट में मिलते हैं,
जैसे कि आपका एनाटॉमी हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, ये जो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है ये हमारे फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड है, ताकि हम लोग आगे चल के एनाटॉमी के बेसिस पे हम लोग पैथोलॉजी सीखेंगे, मेडिसिन सीखेंगे, सर्जरी सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को एनाटॉमी डिटेल्स में सीखना होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मान लो अभी फाइनल ईयर में आपको सर्जरी मिलेगा, अब कोई भी सर्जरी करते हो तो सर्जरी के दरम्यान हमें जो एनाटॉमी है वो डिस्टर्ब मिलता है या फिर डिस्टॉर्टेड मिलता है। अगर कोई हर्निया की कंडीशन है, मान लो कोई परफोरेशन है या फिर और कुछ कंडीशन डेवलप हुई है जिसमें कि हम लोग ये सर्जरी करते समय उसका नॉर्मल एनाटॉमी देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो उसको वापस ला सके, जो कि डिस्टॉर्टेड हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है किसी डिसीज की वजह से। तो इसीलिए हम लोगों को सर्जरी में भी एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो फॉरेंसिक मेडिसिन या फिर फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से देखा जाए, मान लो किसी पेशेंट का पोस्टमार्टम करना या फिर किसी बॉडी में कुछ कंडीशंस ऐसी डेवलप हुई थी जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हुई है, तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग फॉरेंसिक में देखते हैं कि डिसीज़ या फिर जो भी कंडीशंस थी या फिर ये जो मौत हुई है जिसकी, ये पर्सन मेल है, फीमेल है, बच्चा था, जो भी है, ये कंडीशन हम लोगों को कब पता चलती है, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर से, ठीक है। मतलब जो हम लोग पोस्टमार्टम में देखते हैं तो उसके नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल स्ट्रक्चर से हम लोग ये पेशेंट का बॉडी या फिर पेशेंट का डिसीज हम लोग देख सकते हैं, उसकी मौत का कारण हम लोग खोज सकते हैं। इसीलिए एनाटॉमी का बहुत सारा इंपॉर्टेंस फॉरेंसिक साइंस में भी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी के या फिर रचना शरीर के, इसीलिए हम लोगों को एनाटॉमी डिटेल्स में पढ़ना होता है, उसके एक एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज। लेकिन हम लोग मॉडर्न का पार्ट बाद में देखेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद पोर्शन से, ठीक है। हमने डेफिनेशन में देखा कि रचना शरीर मतलब जो एनाटॉमी है उसको हम लोग आयुर्वेद में रचना शरीर कहते हैं, जिसका के फॉर्मेशन अर्थ हुआ और शरीर का अर्थ हुआ एक तंत्र या फिर एक संस्था, या फिर जो हम लोग शरीर या फिर रचना जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग रचना शरीर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है शरीर उपक्रमणीय शरीर, ठीक है। अब इसमें तीन वर्ड इंक्लूड है, एक शरीर है, एक उपक्रम है और तीसरा जो वर्ड है शरीर। अब शरीर का मतलब हमने तो यहाँ पे देखा कि एक ऐसा तंत्र या फिर एक ऐसा शास्त्र जिसमें हम लोग रचना का स्टडी कर रहे हैं, रचना का स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर का, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने शरीर का है। तो शरीर का यहाँ पे भी मतलब सेम है, ठीक है। और यहाँ पे शरीर का मतलब मान लो कि आपका एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। और उपक्रम, उपक्रम मतलब इसका फंक्शनिंग कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसा है, इन चीज़ का जो स्टडी किया है, मतलब शरीर में जो उपक्रम है या फिर जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, जिसको हम लोग शरीर के अंडर पढ़ते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है शरीर उपक्रमणीय शरीर। मतलब शरीर के जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिस चैप्टर में पढ़े जाएंगे उसका नाम दिया है शरीर उपक्रमणीय शरीर। अब इसमें हम लोग अगर एक ओवरव्यू देखें तो हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि शरीर की व्याख्या क्या होती है, मतलब शरीर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। उसके बाद में शरीर की व्याख्या आएंगी, उसके बाद में हम लोग डिसेक्शन का पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग षडंग शरीर क्या होता है इसके भी डेफिनेशंस हम लोग डिटेल्स में देखने वाले। तो शरीर से स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि शरीर की व्याख्या क्या है। अब डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने हमारे आयुर्वेद शास्त्र में शरीर की व्याख्याएं की है, ठीक है। तो पहली व्याख्या अगर हम लोग देखें तो चक्रपाणि, आचार्य चक्रपाणि जी ने हम लोगों को क्या बताया है कि शीर्यते तत शरीरम प्रतिक्षणम शीर्यमानम इति शरीरम। मतलब हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये धीरे 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 शीर्यमान होता है, ठीक है। शीर्यमान होता है या शीर्यते मतलब इसका एक जो डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर टूटना फूटना जिसको बोलते हैं, ठीक है। शीर्यमान मतलब इसकी मराठी में अगर हम लोग बोले तो इसकी झीज होना, झीज होना मतलब इसका वेयर एंड टीयर होना, ठीक है। वेयर एंड टीयर होना, ये प्रोसेस जो है जिस चीज़ में कंटिन्यूसली चालू रहती है उसको हम लोग शरीर कहते हैं। मतलब शीर्यते तत शरीरम प्रतिक्षणम, मतलब हर समय पे, प्रतिक हर क्षण को जिसका शीर्यमान ये प्रोसेस चालू है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे, ठीक है। एक
उदाहरण से हम लोग समझते हैं, मान लो कि एक हाथ पेशेंट या फिर एक हाथ कोई ह्यूमन बीइंग है जिसको हम लोगों ने मान लो कि 8 दिन तक 10 दिन तक अगर हम लोगों ने खाना नहीं दिया है, तो इसमें होगा क्या कि जो पेशेंट है उसका जो डिकम्पोजिशन या इसका जो जीज होने का जो वियर एंड टीयर होने का प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चालू रहेगा, और अगर हम लोग उसको खाना नहीं दे रहे तो उसका वेट लॉस होगा, ठीक है, उसमें डिहाइड्रेशन दिखेगा। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी का ये जो शीर्यमान फंक्शन है ये तो नहीं बिगड़ा है, लेकिन उसको हम लोगों ने डाइट पूरा बंद कर दिया है, ठीक है, ये डाइट जो है ये पूरा हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब इसी वजह से जो शीर्यमान की प्रोसीजर है या फिर प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चालू होने की वजह से पेशेंट का वेस्ट लॉस, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन और फाइनली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या फिर ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं या फिर डाइट लेते हैं या फिर ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कंपेंसेट करने के लिए हम लोग डाइट लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो भी शीर्यमान या फिर शीर्य की जो कंडीशन चलती आ रही है उसको हम लोग कंपेंसेट कर पाए हमारे डाइट से, हमारे खाने से। इसीलिए चक्रपाणी जी ने ऐसा कहा है कि शीर्यते तत शरीरम प्रतिक्षणम शीर्यमान इति शरीरम, मतलब जो हर क्षण को शीर्यमान अवस्था में जा रहा है या फिर शीर्यमान की प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है उसको हम लोग शरीर कहेंगे, ठीक है। हम लोग नॉर्मली हिंदी में भी एक कहावत है कि जो आपका शरीर है यह नश्वर है, शरीर नश्वर है। अब ऐसा हिंदी में कहावत है, मराठी में जिसको बोलते हैं कि हे शरीर या फिर ये जो देह है ये नश्वर है या फिर नाशवंत जिसको बोला है, तो ये क्यों बोला है कि इसी चीज की वजह से, क्योंकि ये जो शरीर की जो प्रोसेस है ये धीरे 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 शीर्यमान अवस्था में या फिर शीर्यमान की प्रोसेस में कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। ये पहली डेफिनेशन हुई। अब दूसरी डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कहा है कि एव विवर्धितम यह सदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंबादि भी रंगे रूपेत तदा शरीरम इति संज्ञा लभते, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो एक गर्भ तैयार हुआ है, गर्भ तैयार हुआ है फीमेल के गर्भाशय में। अब ये कब तैयार होता है, हम लोग आगे गर्भ चैप्टर में इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। मेल का शुक्र और फीमेल का आर्तव, जिसको हम लोग शोनित भी कहेंगे, इसके मतलब इसका जो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग गर्भ चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक इतना याद रखो कि शुक्र मेल का और शोनित फीमेल का, ये जब इनका संयोग होता है, इनका संयोग जब होता है तब जाके गर्भ की उत्पत्ति होती है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब ये जो उत्पन्न हुआ गर्भ है इनमें जब हस्त पाद, हस्त का मतलब हाथ, पाद का मतलब पैर, जीभा का मतलब अपना टंग, ठीक है, घ्राण का मतलब अपना नोज, कर्ण का मतलब अपने कान, ठीक है, और नितंबादि भी रंगे रूपे तो मतलब उसका रंग रूप भी, ये जो पूरे पार्ट्स है जब पूरे तैयार होते हैं, मतलब तदा शरीरम इति संज्ञा लभते, मतलब एव विवर्धित, मतलब ये जब पूरे पार्ट्स फुली डेवलप होते हैं गर्भाशय में तब उसको शरीर की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है, शरीर की संज्ञा दी जाती है। अब ये किसने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान में 5वें चैप्टर में कहा, ठीक है। मगर अगर हम लोग देखें तो गर्भ में जब गर्भ तैयार होता है गर्भाशय में, जबकि शुक्र और शनि के संयोग से, तब जाके ये पूरे जो पार्ट्स है जब कंप्लीट बनते हैं, पूरा डेवलप होते हैं, तब हम लोग उसको शरीर कहते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने कहा। उसके बाद में अगर हम लोग चरक की व्याख्या देखें, चरक आचार्य चरक ने शारीर स्थान में जो व्याख्या कही है उसमें क्या कहा है कि तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायत्मक संयोग भाई, ठीक है। हम लोगों ने शुरुआत में भी इंट्रोडक्शन में देखा कि जब हमारा शरीर फंक्शन करता है, हमारी बॉडी फंक्शन करती है, तो एक इक्विलिब्रियम में काम करती है। अगर ये इक्विलिब्रियम हिलता है या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तब जाके डिसीज की कंडीशन डेवलप होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आचार्य चरक जी ने यहाँ पे पंच महाभूत विकार और चेतना, मतलब
हमारे बॉडी में पंचमहाभूत का स्थान होता है। आगे चल के हम लोग पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते हैं, पंचमहाभूत क्रिया में भी आते हैं, शरीर क्रिया में भी आते हैं। पंचमहाभूत कौन से? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ठीक है, ये जो पंचमहाभूत है उसके साथ साथ उसके विकार जो है और उसमें अधिष्ठान किसका? चेतना का। अब यहाँ पे चेतना का मतलब जो है यहाँ पे आत्मा लिया गया है। ठीक है, ऐसा शरीर या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पंचमहाभूत उसके विकारों के साथ साथ आत्मा का भी अधिष्ठान होता है। अब आत्मा का अधिष्ठान और उसका समुदाय मतलब पंचमहाभूत उसके विकार और चेतना इन सब का समुदाय होता है, मतलब संयोग होता है, एक जगह आते हैं। और ये जो जब एक जगह आके समयोगवाही मतलब इक्विलिब्रियम में काम करते हैं, कैसे? इक्विलिब्रियम में हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, तब हम लोग इसको शरीर कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में पंचमहाभूतों के साथ साथ विकार और चेतना का अधिष्ठान जब होता है और ये जो पूरे समुदाय होता है इन सब का एक इक्विलिब्रियम में काम करता है, तब उसको हम लोग शरीर की संज्ञा देते हैं या फिर शरीर की व्याख्या हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे सुश्रुत के सूत्र स्थान में भी एक डेफिनेशन आई है जिसे हम लोग दोष धातु मल मूल ही शरीरम के नाम से जानते हैं। मतलब हमारे बॉडी में तीन दोष होते हैं। हम लोग क्रिया में इन सबका पार्ट पढ़ने वाले हैं। तीन दोष होते हैं, कौन से? एक वात होता है, एक पित्त होता है और एक कफ होता है। ठीक है, उसके बाद में धातु, सात धातु होते हैं हमारे शरीर में सात धातु होते हैं। कौन से? एक रस होता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सात धातु होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में तीन मल होते हैं। मल में कौन सा आता है? आपका पुरुष, पुरुष मतलब फिकल मैटर, मूत्र, मूत्र मतलब आपका यूरिन और स्वेद, स्वेद का मतलब अपना स्वेट। ठीक है, ये तीन दोष, सात धातु और तीन मन, ये इनका जो अब इक्विलिब्रियम रहता है मतलब ये नॉर्मल फंक्शन करते हैं। इनका नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, इनका जो क्वांटिटी है, जो भी इनका फंक्शन है, एक इक्विलिब्रियम में एक नॉर्मल फंक्शन करता है, तब हम लोग उसको शरीर कहते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के मूल है। ठीक है, तो इन सब का अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तब हम लोग उसको शरीर कहते हैं, ऐसा सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा गया। ये शरीर की डेफिनेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली शरीर क्या होता है। हमने शुरुआत में भी यहाँ पे भी शरीर की डेफिनेशन देखी, यहाँ पे भी देखी, अब उसको हम लोग एक श्लोक के आधार पे देखेंगे। अब शरीर का मतलब क्या होता है? शरीरम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शरीरम, मतलब ये जो शरीर है, ठीक है, उसके जो उपक्रम चल रहे हैं, उसकी जो क्रियाएं चल रही है, वो हम लोग या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग जिस शास्त्र में पढ़ते हैं उसको हम लोग शरीर कहते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है शरीर का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इतने व्याख्याओं में देखा है, तो ये हम लोग अगर जिस चीज़ में पढ़ रहे हैं, जिस साइंस में पढ़ रहे हैं, जिस शास्त्र में पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग शरीर कहेंगे। ठीक है, शारीरम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शारीरम, ऐसा तंत्र जिसमें हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर स्टडी किया जाएगा, एक फंक्शन स्टडी किया जाएगा, उसको हम लोग शारीर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक टर्म आती है षडंग शारीर। अब ये जो टर्म हम लोगों को सीखने का मतलब क्या है कि क्योंकि ये जो पूरे वर्ड्स है ये आगे चल के सिलेबस में पूरे रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, बहुत बार हम लोगों को ये सब वर्ड सुनने में मिलने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों को इन सब का वर्ड टू वर्ड मतलब पता होना चाहिए।
इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम लोगों को अगर पहले से पता है, हमारा बेसिक अगर क्लियर है, तो आगे चल के हमारे जो भी वर्ड्स हम लोगों को सुनने मिलेंगे उसके मतलब हम लोगों को एग्जैक्ट ये करने में या फिर एग्जैक्ट नॉलेज लेने में हम लोगों को दिक्कत नहीं देंगे, इसीलिए हम लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो हम लोग अगर षड्यंग शारीर की बात करें, हम लोगों को ये चीज़ पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको अगर स्टडी करना है तो हम लोगों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे अगर हम लोग सिस्टम वाइज पढ़ते हैं, मतलब जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सब का एक फंक्शन अलग अलग होता है, इन सब का कार्य अलग अलग होता है। तो इन लोगों को, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे एक अलग अलग डिवीजन में पढ़ते हैं, अलग अलग भाषाओं में पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को आयुर्वेद में भी कुछ चीज़ें बताई गई है जिससे हमारा जो एनाटॉमी का स्टडी है वो ईजी हो जाए, क्लियर हो जाए। अब उसको हम लोग कहते हैं षडंग शारीर। षडंग का मतलब इसमें कुछ छः पार्ट्स होंगे, नाम से हम लोगों को पता चल जाए, जिसको थोड़ा बहुत संस्कृत का नॉलेज होगा, सुनी होगी संस्कृत, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि षडंग, षडंग का मतलब कुछ छः चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, ये तो हम लोगों को पता चल रहा है। अब इसमें पहला जो अगर हम लोग देखें तो शाखा चतस्त्र। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में चार शाखाएँ हैं जिसको हम लोगों को आगे चल के पढ़ना है। अब चार शाखाएं कौन सी होंगी? ऑब्वियसली हमारे लिम्स होंगे, मतलब अपर लिम और लोअर लिम। अब दो अपर लिम और दो लोअर लिम, इसको हम लोगों ने शाखा का नाम दिया। अब दूसरा जो है मध्यम पंचमा। मध्यम पंचमा मतलब हमारा जो मिड पोर्शन है शरीर का, उसको हम लोग मध्य शरीर कहेंगे। अब मध्य शरीर को हम लोग कहते हैं, ये पांचवा पार्ट है, इसको मध्यम पंचमा के रूप में श्लोक में बताया गया है। तो जो मध्य शरीर है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व, अगर मॉडर्न साइंस से देखें तो हमारा थोरैक्स रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, एब्डोमेन। अब ये जो थोरैक्स है इसको तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एब्डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एब्डोमेन में एक अपर एब्डोमेन आएगा आपका, अपर एब्डोमेन, और जो लोअर एब्डोमेन आता है उसको हम लोग पेल्विस कहते हैं, ठीक है। अपर एब्डोमेन और पेल्विस, ये आएगा किसमें, अपने मध्यम में। अब तीसरा जो पार्ट है ये षष्ठम शिरमिति, मतलब जो हमारे शिर का पार्ट है, हमारे हेड का पार्ट है, इसको हम लोग षष्ठ नंबर देंगे, या फिर श्लोक में कहा है षष्ठम शिरमिति, मतलब हमारे शिर का पार्ट है, जिसको हम लोग मॉडर्न साइंस से अगर कंपेयर करें तो हमारे हेड, नेक और फेस, इन सब का जो स्टडी आएगा वो किस में आएगा, शिर में। तो ये तीन जो है जिसको कि हम लोग पूरा षडंग शरीर कहेंगे, मतलब चार शाखा, एक मध्य शरीर और एक शिर, इसको हम लोग षडंग शरीर के नाम से जानते हैं, या फिर षडंग शरीर की संज्ञा इसको दी गई है, शरण शारिंग ये संज्ञा इसको दी गई है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि सिंपली जैसे मैंने अभी बताया कि स्टडी करने में हम लोगों को आसानी हो, इसीलिए शरीर के कुछ पार्ट्स दिए गए जो कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंटली स्टडी करने हैं, और ये पूरा मिला के हमारा पूरा शरीर बनता है, और इसीलिए हम लोगों को ये षडंग शरीर, ये जो डेफिनेशन या फिर ये जो संज्ञा है हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका आगे चल के बहुत हर जगह पे उल्लेख आएगा, हर जगह पे इसका वर्ड का आपको सुनने में मिलेगा। इसलिए षडंग शरीर में क्या आएगा देखना, चार शाखाएं आई, एक मध्य शरीर आया और तीसरा जो है अपना शिर आया, तो ये टोटल मिला के आपके षडंग शरीर हुए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डिसेक्शन का पार्ट देखेंगे, ठीक है।